अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मुअज्जम बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एम बी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस टू की एक और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और इंटरवल था 0 से लेकर 1 तक, तो उसको हमने प्रूव किया था कि वो डरपॉक्स इंटीग्रेबल होता है। तो उसके लिए हमने अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल को इक्वल प्रूव किया था। तो इन्हीं सेम लाइंस पर अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और 0 से लेकर 1 तक इंटरवल हो, तो उसमें भी हमने सेम करना है, क्योंकि वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्यूब का जो होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो वह भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका जो ग्राफ होता है वो भी इस तरह से, ठीक है। अगर हम ये लेट का निवान है, तो ये इधर से लेकर इधर तक जो फंक्शन है भाई, ये इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है वो हम जानते हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं और हमारा फंक्शन जो है वो ऊपर की तरफ राइज करें, तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम मैक्रो का थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो इसमें हम जो रीजन बनता है ये हम फाइंड करते हैं। तो जिस तरह मैंने पिछली बड़े वीडियोज में किया ना, उन्हीं सेम लाइन पर आप इस जो ये वाला एग्जाम्पल है इसको भी कर सकती है। तो आज हम एक ऐसे एग्जांपल करेंगे कि जो है ना, जो फंक्शन है ऐसा फंक्शन होगा जो डरपॉक्स इंटीग्रेबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसको हम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई 0 व्हेन एक्स बिलोंग करें रैशनल को कह लें, और 1 आए व्हेन एक्स बिलोंग करें इरेशनल को, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या ये डरपॉक्स इंटीग्रेबल है। तो इन डरपॉक्स इंटीग्रेबल के लिए हम क्या करते हैं कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल को फाइंड करते हैं, और उधर से देखते हैं कि अगर वो क्या वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो बराबर आते होंगे तो फिर हमारा फंक्शन डरपॉक्स इंटीग्रेबल होता है, और अगर ना आए तो वो डरपॉक्स इंटीग्रेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसमें हमारे पास जो इंटरवल है, इंटरवल हमारे पास 0 से लेकर 1 तक है। तो अगर ये लड़का लेके 0 है और ये हमारे पास है इधर तक 1 है, ये हमारे पास 1 है, तो जो वही पुराने वाला मैथड के हमें इसकी पार्टीशन करनी है, सब इंटरवल में इसकी पार्टीशन लिखनी है। एक्स एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 कामा एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 अब सो ऑन एक्स एन इज इक्वल टू 1, तो इस तरह सारी पार्टीशन लिखनी है। और हम चूंकि जो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, किसी भी दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं इनफाइनाइट। तो जिस तरह जो रियल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सेट ऑफ यूनियन ऑफ होते हैं रैशनल और इरेशनल का, ठीक है। तो इसमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो जो कि दो रियल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि 0.2 है और एक है 0.3, ठीक है, तो इनके दरमियान भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, वो क्या होंगे 0.2 0.02 सॉरी ये ना 0.2 आएगा, फिर आएगा हमारे पास 0.21 0.2111 0.23 फिर आ जाएगा 0.212 इस तरह इनफाइनाइट आप रियल नंबर्स लिख सकते हैं। अगर ये हमारे पास रियल लाइन पर जाए, अगर ये वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ये 0.2 है और ये 0.3 है, तो इनके दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो इस तरह से हम ये जो हमारे पास आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होंगे, तो इस तरह से ये जो इसका ग्राफ बनेगा 0.5 इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। और सॉरी 0.5 जो वैल्यू है, अगर हम इसको 0.5 वैल्यू जो रैशनल नंबर रैशनल में 0.01 आ जाता है, तो इसको हम ऐसे कर लें, ये हमारे पास आ जाता है, ये बना करेगा हमारे पास रैशनल को
और जब वन आए तो ये ठीक है, सॉरी तो जीरो आया जब हमारे पास आंसर, यानी जीरो एक रैशनल नंबर है ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये वैल्यू है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये कोई वन है, तो ये वन आ गई, अगर इधर आ गई, इधर आ गई, ऐसे वैल्यू इसकी आएंगी। इसका जो ग्राफ है ये जीरो पर, इधर ऐसे वैल्यूज आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पर डिस्कंटीन्यूअस भी है। तो और इसी तरह से हमारे पास जो ना जो भी इंटरवल होगा ठीक है, अगर हम कोई इंटरवल ये पार्टीशन करते हैं, हमारे पास आ जाती है पार्टीशन जीरो इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, सो ऑन, एक्स एन इज इक्वल टू वन। अगर हमारे पास आई वन इंटरवल है उसमें आ जाता है हमारे पास उसमें हमारे पास आ जाता है जीरो, और यानी एक्स नॉट, एक्स नॉट और एक्स वन ठीक है, ये क्लोज्ड है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स एक्स नॉट और एक्स वन ठीक है। और अगर हम इसको पी एन कर लें, ये पी एन है, अगर हम इसको जो लेंथ ऑफ इंटरवल हो वो हमारे पास हो जाए वन कामा जीरो फोर एन, और इधर से अगर हम इस पी एन पार्टीशन को इस तरह से थोड़ा सा लिख लें, जीरो आए फिर वन ओवर एन, टू ओवर एन, सो ऑन, एन अपॉन एन इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, सो ऑन, ये हमारे पास एक्स एन। तो इधर से हमारे पास ये जो इंटरवल आएगा ये क्या आएगा, जीरो और वन ओवर एन। तो इसमें जो हमारे पास जो लेम्मा है, जो हमारे पे इम्पोर्टेंट बात है, वो हमने ये कहना है कि चूंकि हर इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये डिस्कंटीन्यूअस है, और इसमें जो होगा हमारे पास इनफिमम, जो हमारे पास इनफिमम आएगा, सॉरी एम के जो होगा वो हमारे पास जीरो होगा, और एम के जो होगा कैपिटल सुप्रीमम होगा ये हमारे पास वन आएगा ठीक है। तो इधर से हम इसका जो फार्मूला होता है यूपीएफ का, उसमें आ जाता है एम के और इंटरवल की लेंथ ठीक है। तो इंटरवल की लेंथ में क्या आएगा, इंटरवल की लेंथ में क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ये था वन, और इंटरवल की लेंथ जो भी हमने की है अगर हम वो इधर लिख देते हैं डेल्टा के, जो वो आ जाए के अप्रोच टू वन टू एन, के अप्रोच टू वन टू एन ठीक है। तो इंटरवल की लेंथ क्या होती है, बी माइनस ए यानी एक्स एन माइनस एक्स नॉट, तो वो हम लिख लेते हैं, इधर आ जाएगा हमारे पास वन आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स नॉट, और इधर से हमारे पास आ गया, अगर ये जो है ये एक्स एन क्या है हमारे पास, एक्स एन ये वाली है और एक्स नॉट जीरो है, तो इधर से हमारे पास आया वन इंटू वन माइनस जीरो, तो ये आ गया हमारे पास वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो अपर दरबाक्सा में वो वन आ गया, इसका मतलब कि ये हमारे पास आ गया वन पी एन। इसी तरह से लोअर दरबाक्सा उसमें हमारे पास जो इनफिमम होगा जो जीरो होगा एन, तो ये सारा आ जाएगा जीरो। तो इसका मतलब क्या, लोअर दरबाक्सा हमारे पास आ गया जीरो, और अगर हम पी एन पार्टीशन इसको इनफाइनाइट जो है स्मॉल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं इस इंटरवल को, तो हम कहते हैं हमारा अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल बराबर नहीं आएगा। और इधर से भी हम बता सकते चूंकि हमारा अपर दरबाक्सम और लोअर दरबाक्सम भी बराबर नहीं ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल ठीक है। तो इसी तरह से और भी इसके कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो एग्जाम्पल से देखी कि हमारे पास एक फंक्शन है जो दरबाक्स इंटीग्रेबल नहीं है ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक करिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।